दांत के दर्द के लिए कुछ बतलाएं। दांत में बहुत दर्द हो जाता है, जब भी दर्द होता है तो उसके बाद दाढ़ में, तो उसके बाद ऊपर गिल्टी भी बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम, उम्र, वजन, शहर? नाम मेरे भाई मोहम्मद रियाज, उम्र 58 और वजन 75 kg। जी फरमाइए, सवाल क्या है रियाज साहब? जी भाईजान, दांत के दर्द के लिए कुछ बताएं कि अक्सर दांत को दर्द होता है और वहाँ गिल्टी बन जाती है और उससे जो है ना काफी दर्द होता है, तो 2-4 हफ्ते बाद वो ठीक होता है, तो दूसरा इसी तरह हो जाता है। ये रेगुलर मेरे साथ हो रहा है, प्लीज इसके लिए कुछ बता दे मेहरबानी। अच्छा, दांत में दर्द है या दाढ़ में दर्द है? दांत में, कभी आड़ में, दाढ़ में हो जाता है, कभी दांत में, और साथ ऊपर जो है ना गिल्टी सी बन जाती है और उससे दर्द होता है बहुत ज्यादा। गिल्टी जो है वो मसोड़े में बनती होगी ना, मसोड़े पे या ऊपर तालू पे? मसोड़े पे। ठीक है, इसके अलावा मसोड़ों से खून आता है आपके? थोड़ा बहुत समटाइम मेरे भाई। ठीक है इंशाल्लाह। रियाज साहब कहाँ से कॉल कर रहे थे? बर्मी काम से मेरे भाई। इंशाल्लाह अल्लाह करीम आपको शिफा अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ। मोहम्मद रियाज साहब, इनकी उम्र 58 है, 75 kg इनका वजन है। दांत के दर्द के लिए कुछ बतलाएं। दांत में बहुत दर्द हो जाता है, जब भी दर्द होता है तो उसके बाद दाढ़ में, तो उसके बाद ऊपर गिल्टी भी बन जाती है, तो इसके लिए कुछ बतलाएं। देखिए, दाढ़ में या दांत में दर्द हो तो एक तो प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की ये तालीम करदा ये दुआ आप ये ज़रूर पढ़ें। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा अजीदु व उहादिरु। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11 मरतबा पढ़कर उस पर दम करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह जिस्म में कहीं भी दर्द है, दांत में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, जिस्म में कहीं भी दर्द है तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह शिफा होगी। इसके अलावा दांतों के लिए आप बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि कोई शख्स जो ये चाहता है कि उसके यानी उसको ENT की प्रॉब्लम ना हो, फरमाया कि वितर के अंदर इस तरह तरतीब रख लें, यानी कि पहले सूरह नसर पढ़ ले, फिर सूरह लहब पढ़ ले और सूरह इखलास पढ़ ले। पहली रकात में सूरह नसर, दूसरी में सूरह लहब और तीसरी में सूरह इखलास पढ़े। पाबंदी के साथ अगर ये अमल करेगा तो उसको ENT की कभी प्रॉब्लम नहीं, आँख, नाक, का गला, इसके कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये काम करें। दूसरा काम ये करें कि आपके दांतों में ऐसी कैफियत होती है तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप क्या करें कि कलौंजी, 1 कप कलौंजी का यानी 1 कप पानी ले लें, उसके अंदर 1 चम्मच कलौंजी के डाल दें, 1 टीस्पून उसमें नमक डाल दें यानी पिंक साल्ट। इसके अलावा उसके अंदर आप यानी कि 1 चम्मच हल्दी डाल दें। इस पानी के साथ कुल्लियाँ जितनी ज़्यादा कर सकते हैं वो करें और रात को सोते वक्त करके फिर सो जाएं। और इसके अलावा कोशिश ये करें कि ये जो आपके ऊपर गिल्टी वगैरह गिल्टी हुई हुई है, इसके अलावा इसमें क्या करें कि आप सरसों का तेल लें। सरसों के तेल में जिनके भी मसूड़ों से खून आता है, सबके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। जिनके मसूड़ों से खून आता है, सरसों का तेल और नमक, इसको हम वजन कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें, इसको अपने दांतों पे लगा लें। इसके अंदर मजीद बेहतर बनाने के लिए इसको इसके अंदर आप जो है वो भी डाल दें, यानी कि हल्दी भी 1/2 टीस्पून डाल दें। इसको दांतों में लगा कर थोड़ी देर छोड़ दें, जो लुआब आएगा उसको थूक दें, थोड़ी देर इंशाल्लाह। रोजाना पाबंदी से करें, सुबह के वक्त में, शाम के वक्त में। आप ये देखें आपके दांतों की इंशाल्लाह हिफाजत होगी। अल्लाह पाक आपको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए।